मेरे चैनल में इस्तकबाल और स्वागत है। तो आज की वीडियो में थोड़ा चलते हैं और देखते हैं, और दो दोस्त हैं हमारे, उनसे भी मिलेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, और एक दोस्त लगभग आ चुके हैं और अगले वाले भी निकलने वाले हैं। तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इधर से चलते हैं ना, इधर से नहीं, इधर से चलते हैं ना। दिलशाद को लेना है। दिलशाद से फ़ोन कर देंगे ना, आ जाएगा। आमिर शाह को? आमिर शाह नहीं आएंगे, उनको काम है घर पे। तो चलिए आपको सीधा मिलते हैं, क्या क्या करना है रेलवे लाइन पे जाके, तो उसके बाद बताते हैं। तेरा दोस्त आने वाला था, ये आ गया है। और तो अभी ट्रेन आने में टाइम है, हम लोग ट्रेन में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो अभी लगभग आधा घंटा से अवब होगा, तो उसके आने का इंतज़ार करते हैं। तब तक हम अपना सारा बंदोबस्त रेडी कर लेते हैं। और फिलहाल ये मेरा कैमरा मैन थोड़ा टाइम के लिए बनेगा, ताकि मैं वीडियो शूट करूँगा। और एक मेरा दोस्त है जो पीछे है, उधर दिखा रहा हूँ, वो उधर जा रहा होगा, शायद दूर तक देखना चाहिएगा। और फॉग भी देख सकते हैं, कितना सारा फॉग है, और ये नज़ारा वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग। और ये एक मेरा और यही दोस्त है जो मेरा अभी कैमरामैन वापस से बनेगा, बना तो नहीं है लेकिन अभी बनेगा। तो चलिए, अब ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं हम लोग और मिलते हैं आपसे। दो जने तो साथ में हो गए हैं, अब एक और है जो तीसरे को साथ में वीडियो में लेते हैं और पूछते हैं कहाँ गया था। तो किधर गए थे भाई साहब आप? हम भाई गए थे ट्रेन को लाने, ट्रेन पंक्चर हो गया था ना, तो उसी को बनवाने गए थे। पंक्चर हो गया था? अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी भी आने में पहुँचा है। लालगंज पहुँचे? लालगंज यहाँ से लगभग लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास में। तो चलिए, अब हम लोग अपना अपना बंदोबस्त पूरा रेडी करते हैं, अपना कैसे कैसे मेरे को सेट करना है, अपना फ़ोन से एक दूसरा फ़ोन है उसको कैमरा को सेट करके बताते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर वहाँ पे। इसका मेरा मतलब मोटिव है वीडियो बनाने का वही कि मैं ये जो पटरी दिख रहा है आपको, तो इस पर मैं ये कुछ पॉइंट्स रखूँगा। पहले अपना कैमरा सेटअप करने के लिए यहाँ पर अपना पहले हटा दे रहा हूँ, हटाने के बाद वापस से भर भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये सब जो कॉइन है इसको मैं यहाँ रखूँगा, इस पर से ट्रेन जाएगा तो फिर देखते हैं कि ये कॉइन का क्या हालत होता है। खैर, ये 20 का कॉइन है, इसको तो नहीं रखेंगे, इसको वापस घर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कॉइन सब भी बचा पाएँ। बच जाएगा तो लेके चलेंगे, दो दो और एक है, 5 रुपये के आसपास है। तो चलिए फिर आपको देखते हैं यहाँ हम लोग अपना। देखिए, मेरा एक दोस्त हटा रहा है, तो हम लोग भी हटाते हैं और कैमरा को सेटअप करेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। हमें लगा कि ये पत्थर बहुत कठिनाई से हटेगी, लेकिन जेसीबी को बुलाना होगा, लेकिन ये अपने हाथ से भी हट जाता है। आप लोग भी अपने स्टेशन पे ट्राई करेंगे? ठीक है, ट्राई करेंगे, इनकी बात को सुने आप लोग, तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो चलिए यहाँ पे आइए, आप कैमरा को लेके, गड्ढा हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे गड्ढा दिखाई, काफ़ी सारा गड्ढा हो गया है। और ये काम होने के बाद मैं इंशाल्लाह इसको भर देंगे, ताकि कोई यहाँ पे डिप जो है कुछ ज़्यादा डिप हो गया है। सो अब लेवल करके कैमरा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे स्टैंड को। और ये मेरा दूसरा फोन है, वो कैमरा बनेगा। सिक्का जो है भाई, भाई ये 20 का सिक्का है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत मुश्किल से मिलता है 20 का सिक्का, तो इसको खैर हम लोग रखेंगे नहीं, रख लेंगे। हाँ ठीक है, रखेंगे। चलिए अब आपको हम पूरा कैमरा सेटअप करने के बाद मिलते हैं, फोन सेट करने के बाद। मुश्किलों के बाद ये हमारा सेटअप हुआ है थोड़ा बहुत, और वहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, ट्रेन आएगा लगभग अभी भी आधे घंटे में, को लगता है आधे घंटे से ज़्यादा ही होना चाहिए ट्रेन आने में। तो फिर देखते हैं, पूरा सेटअप वटअप कर देते हैं, और इसके बाद मोबाइल शायद बच जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है। नहीं बचा तो फिर मेरी किस्मत, बच गई तो मैं भी मेरी किस्मत। और इधर कॉइन रखा हुआ, तो चलिए दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ। ये लोग भी बेचारे बहुत मेहनत किए, हाथ गंदा हो गया, ये सबसे ज़्यादा मेहनत किया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ट्रेन आने के टाइम में। तो देखिए, ट्रेन अभी आ रही स्पीड में, और मेरा फ़ोन भी रखा हुआ है और वीडियो चालू है, तो देखते हैं कॉइन का क्या हाल होता है। कॉइन तो सारा उड़ गया है, पहला एक कॉइन इधर है। आप लोग, ये रहा दो का सिक्का, ऐसे हो ऐसा हो गया दोस्त, ये तो चलेगा भी नहीं अब। और एक का सिक्का और ढूंढना है, तो एक का सिक्का ढूंढना होगा, ऐसा सिक्का का हाल देख सकते हैं आप। और जब तक हम लोग एक का कॉइन ढूंढते हैं, ये मिल गया, ये देख सकते हैं इस तरीके का सिक्का हो गया। नहीं अब कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ एक ही शॉट में पूरा उड़ गया सिक्का, और मेरा फोन बच गया। मुझे डर था कि कहीं मेरा फ़ोन में कुछ हो जाए, तो फ़ोन का वीडियो ऑफ करो तो दिलशाद बाबू। और ये रहा मेरा
पैसे, तो काफ़ी अच्छा मतलब अंडा जैसा हो गया, तो अंडा जैसा हो गया एक का। ये तो चलेगा नहीं, मतलब मान लीजिए 5 रुपये हमारे नुकसान हो गए। तो चलिए फिर आपको अब मिलते हैं कहीं। हमारे नहीं, मेरे नुकसान हुए भाई साहब, हमसे सिक्का लिए थे आप। तो 2 रुपये हमारे भी थे इसमें। 2 नहीं थे आपके, 1 थे हमारे, 4 थे। नहीं, आपके 20 के कॉइन थे। 20 के कॉइन तो थे ही। हाँ, तो वो आपके पास है, तो 2 और 1 हमारा, 3 रुपये। इसीलिए हम नहीं रखे थे क्योंकि हमें पता था ऐसा हाल हो जाता तो फिर उसी में 1 रुपया मिला के अपना काम हो जाता। तो चलिए, काफ़ी अच्छा इन लोगों ने सपोर्ट किया, मेरा वीडियो बना। तो फिर आप देखते, सोचते हैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ नए किरदार के साथ। तो चलिए, हमारे वीडियो में इसी तरीके से बने रहे हमेशा के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।